हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षापुर। मैं अविनाश कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रेवल प्लान्स। यह चैप्टर डीएवी पब्लिकेशन के क्लास फोर के इंग्लिश रीडर में दिया हुआ है। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पढ़ते हैं। यह एक पोयम है, ट्रेवल प्लान्स। इफ यू कुड गो एनीवेयर, where would you go? Deep in the jungle, deep in the snow, deep in the ocean to talk to a fish. If you could go anywhere that you could wish. इसमें कहा जा रहा है कि if you could go anywhere, यदि तुम कहीं जा सकते हो या यदि तुम कहीं जा सको, where would you go? तुम कहाँ जाओगे? डीप इन द जंगल, जंगल के अंदर। डीप इन द स्नो, या बर्फ के अंदर। डीप इन द ओशियन, समुद्र में, समुद्र के अंदर। टॉक टू ए फिश, मछलियों से बातें करने। इफ यू कुड गो एनीवेयर, यदि तुम कहीं जा सकते हो, यदि तुम, या यदि तुम कहीं जा सको, दैट यू कुड विश, वह तुम इच्छा कर सकते हो, मतलब जहां तुम्हारी जाने की इच्छा है वहां तुम जा सकते हो। इफ आई कुड गो एनीवेयर, हियर इज व्हाट आई वुड डू। यदि मैं कहीं जा सकता हूं, या यदि मैं कहीं जा सकूं, हियर इज, यह है व्हाट आई वुड डू, जो मैं करूंगा, यानी कि जहां जहां मैं जाऊंगा, ये है। हियर इज मतलब यह है। ये सब लिस्ट हैं नीचे, जहां जहां जाना है इसको वहां वहां बता रहा है। यह है, हियर इज व्हाट आई वुड डू, जो मैं करूंगा, मतलब जाना, जहां मैं जाना चाहूंगा, तो यह है। क्या है, चलिए पढ़ते हैं। आई वुड पॉप इन द पाउच ऑफ ए काइंड कांगरू, मैं पॉप करूंगा इन द पाउच, पाउच में, ऑफ ए काइंड कंगरू के पाउच में पॉप करूंगा। पॉप मिस होता है, ये देखिए, फटा हुआ आवाज में जोर जोर से गाना गाना, यानी कि चिल्लाना। ये कह रहा है मैं पाउच में बैठ करके काइंड कंगरू के, जैसे ये देखो चिल्ला रहा है, ये इसका बच्चा चिल रहा है, उस तरह से ये भी देखिए चिल्ला रहा है, इसको पॉप कहते हैं। पॉप जैसे म्यूजिक होता है ना। आई वुड पॉप, मैं पॉप करूंगा इन द पाउच, मतलब पाउच में बैठ कर, ऑफ ए काइंड कंगरू। आई वुड ट्रेवल अराउंड, मैं चारों तरफ घूमूंगा, यात्रा करूंगा, ट्रेवल करूंगा। फॉर एज लॉन्ग, इतना दूर, एज आई प्लीज, जितना मेरी इच्छा करेगी, जहां जहां जितना दूर तक मेरी इच्छा होगी वहां वहां तक मैं ट्रेवल करूंगा। एंड आई वुड लर्न टू से, और मैं सीखूंगा, आई वुड लर्न, मैं सीखूंगा, टू से मतलब कहना, थैंक यू सीखूंगा, इन कैंगरूज, कैंगरूज मतलब कैंगरू के भाषा में, इसका क्या मतलब हुआ, कैंगरू के भाषा में मैं से मतलब कहना सीखूंगा, लर्न, आई वुड लर्न, मैं सीखूंगा, टू से मतलब कहना, थैंक यू कहना सब सीखूंगा, इन कैंगरूज मतलब कैंगरूज के भाषा में। आई वुड गो, मैं जाऊंगा, थ्रू द होल मतलब छेद से होकर के, ऑफ ए नीडल सुई के छेद से होकर के जाऊंगा, लाइक ए थ्रेड धागे की जैसा, मतलब मैं इतना छोटा हो जाऊंगा कि धागे की जैसा छेद से होकर, सुई के छेद से होकर जाऊंगा। आई वुड स्पिन, मैं लाइक ए टॉप, मैं लट्टू के जैसा मैं स्पिन करूंगा, मतलब घूमूंगा, ऑन द पॉइंट ऑफ माई हेड मतलब सर के बल। I would skate on an ice cube, मैं आई क्यूब के आकार का आइस का टुकड़ा, उन्हें घन के आकार का आइस के टुकड़ा के ऊपर मैं स्केट करूंगा, स्केटिंग होता है ना, वही छोटे से क्यूब के आकार के टुकड़े पर स्केटिंग करूंगा। I would swing, मैं स्विम करूंगा इन ए ग्लास, एक ग्लास में मतलब तैरूंगा ग्लास में, मैं छोटा हो जाऊंगा कि मैं एक ग्लास में करूंगा। आई वुड राइड, मैं सवारू करूंगा ऑन ए ग्रास होपर,
एक ग्रास होपर, इसको बोलते हैं देखिए ग्रास होपर, एक फतिंगा है, ग्रास होपर के ऊपर मैं सवारी करूंगा। इफ वन शुड पास, यदि एक ग्रास होपर मेरे बगल से होकर के गुजरेगा तो उसके ऊपर मैं सवारी करूंगा। जैसे ये देखिए फिगर में बैठ कर कर रहा है सवारी। एंड व्हेन आई गोट टायर्ड, और जब मैं थक जाऊंगा, ऑफ बीइंग सो स्मॉल, इतना छोटा होने से, जब मैं थक हो, इतना छोटा होकर के ये सब करने से जब मैं थक जाऊंगा, आई वुड आबरा का डाबरा, मैं आबरा का डाबरा कहूंगा, आबरा का डाबरा मैं बोलूंगा, माई सेल्फ टू बी ए टॉल, और मैं खुद फिर से मैं इतना लंबा हो जाऊंगा कि आई वुड स्टेप ओवर ओशियन, कि मैं समुद्र के ऊपर अपना स्टेप करूंगा, मतलब कदम रखूंगा। आई वुड स्टेप ओवर सी, और सी के ऊपर मैं स्टेप रखूंगा, मतलब कदम रखूंगा, यानी कि चलूंगा, इतना मैं लंबा हो जाऊंगा। आई वुड काउज ए फ्यू शिपरेक्स इफ आई हैड टू स्नीज, आई वुड काउज मैं कारण बनूंगा, ए फ्यू शिपरेक्स मतलब कुछ जहाजों के तबाही का कारण बनूंगा। इफ आई हैड टू स्नीज, यदि मैं छींक दिया तो कुछ जहाजों के तबाही का कारण बनूंगा। आई वुड पैट ए जिराफ, मैं एक जिराफ को थपकी लगाऊंगा, ऑन द टॉप ऑफ हिज हेड, उसके इतना मैं लंबा हो जाऊंगा कि उसके हेड सर के ऊपर, टॉप ऑफ हिज हेड, उसके सर के ऊपरी हेड पर पैट करूंगा, मतलब थपकी लगाऊंगा, उसे थपथपाऊंगा। आई वुड फाइंड आउट, मैं फाइंड आउट करूंगा, मतलब जानना चाहूंगा फॉर श्योर श्योरिटी के लिए, इफ द नॉर्थ पोल वाज रेड, कि नॉर्थ पोल रेड है कि नहीं, वास्तव में लाल है कि नहीं, यह फाइंड आउट करूंगा। एंड व्हेन आई हैड सीन, और जब मैं देख लूंगा, ऑल सभी दैट आई वांट टू सी, जो मैं चाहता हूं देखना, आई होप, तब मैं आशा करता हूं, आई वुड नो, मैं जानूंगा, हाउ टू टर्न बैक इन टू मी, कि कैसे मैं वापस आऊं, फिर से समान लंबाई का कैसे मैं हो जाऊं, यह मैं आशा करता हूं कि मैं उस समय मैं जानूंगा हाउ कैसे आया जाता है, तो उस तरह से मैं बोल करके फिर वापस मैं अपने नेचुरल लेंथ में मैं आ जाऊंगा। आई होप, मैं आशा करता हूं, आई वुड नो, मैं जानूंगा, हाउ टू टर्न, कैसे बैक, वापस कैसे आया जाता है, इनटू मी, अपने में, मतलब नॉर्मल लंबाई में, उस समय में आशा करता हूं कि मैं जानूंगा। इस तरह से ये आपका खत्म हो गया पोयम। इसके राइटर हैं बॉबी कर्च। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।